अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, इस घड़ी पे मत जाना, ये 1 साल से SES के सेल चेंज नहीं करें। तो आज जो है ना वो संडे है, 28 अगस्त, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कितना वेट किया है ना इस दिन का। अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं, मुझे लग रहा था कि मगरिब के 7 बज रहे हैं, मैं सुबह के 6 बजे सोया था और अब ना 1 घंटे बाद मेरी आँख खुल गई। मैच की वजह से ना अब नींद ही नहीं आएगी। तो अभी चलते हैं बाहर, अपने ना मुर्गों वगैरह को खोलते हैं। लोग है ना मेरे कमेंट्स वगैरह में ना बहुत ही पूछ रहे होते हैं कि फ्लेमिंगोज और ना टर्की कहाँ गए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, टूर पे आने से पहले फ्लेमिंगो और टर्की को ना हमने फार्म पे भेज दिया है, क्योंकि ना फ्लेमिंगो के लिए जगह बहुत छोटी पड़ी थी, अब वो लोग बड़ी जगह पे हैं और खुश हैं। आ जाओ, तुम लोगों को खोल दूँ पहले। इधर आओ, तुम समझते क्या हो तुम अपने आप को? हैं हम बैठने तो दो बीवियां लेके घूम रहे हो? अरे वाह, तुम तो इतने प्यारे लग रहे हो। चलो अभी एक काम करते हैं, इस पे जो है ना हम लोग कलर कर देते हैं, और इसकी जो खूबसूरती है ना उसकी माँ बहन एक कर देते हैं कुछ व्यूज के लिए, ठीक है? पता नहीं इतना शोर क्यों कर रहे थे, मैं इनको तो दिखाता ही हूँ। चलो इनको भी देख लेते हैं, बच्चे चेक करने, किसी ने बच्चे हैं। इसमें बच्चा है, देखो देखो इसमें बच्चा दिया हुआ है। कितने अंडे हैं भाई, बच्चा है। जब तक मैं यहाँ पे ना काम वगैरह कर रहा हूँ, मैंने अपना नाश्ता जो है ना ऑर्डर करवा दिया, कॉफी वगैरह से। अभी थोड़ी देर में आता होगा। घर में पानी नहीं मिलता तुम्हें, तुम भी काशिफ बन रहे हो। ये देखो अपने बच्चे को भी ना अपने साथ साथ ये लोग ना ट्रेन कर रहे होते हैं, इसको भी बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया यहाँ पे ना इन लोगों ने, सिखा दिया यहाँ पे पॉडी ट्रेन वगैरह सब कुछ इन लोगों ने खुद ही कराया है। यार व्यायाम से मानी से पंगे ले रहा है जाके। ओ भाई ओ भाई ओ, अभी ना छत पे जाना है इनके लिए ना एक चीज लेने के लिए। मैंने ये टोकरी ढूंढने आया था, ये मिल गई इधर। इसमें ना अपना घास वगैरह डालेंगे, मेरी जो मुर्गियां है ना वो अंडे देने वाली हैं, बड़ी हो गई हैं। दिन ना इधर ऊपर भी जाएंगे, इसके अंदर ना एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे हमने पूरी ना बैठने का सेटअप वगैरह बनाया था बहुत पहले। अब वो पता नहीं होगा या नहीं, जिस दिन सीढ़ी वगैरह आएगी ना ऊपर जाएंगे, कबूतर के बच्चे वगैरह होंगे ऊपर। तो ये आ गया, इसमें ना मैंने नेस्टिंग मटेरियल वगैरह भी डाल दिया। बस अब दुआ करो यार ये लोग जल्दी से ना अंडे देने लग जाए जल्दी से। कोई और कोई टिप्स वगैरह के इनके अंडे वगैरह के लिए ना तो मुझे कमेंट में बताओ मुझे, क्योंकि इस ब्रीड के बारे में इतना पता नहीं है। तो ये रहा मेरा नाश्ता, ये सैंडविच है, ये एयर फ्राई हुए ना फ्रेंच फ्राइज, ये कोल्ड कॉफ़ी, और इतना सा नाश्ता जो है ना 1200 रुपये का पड़ गया। इससे सस्ता जो है ना माइटी सिंगर आया था KFC का। खैर इसको जल्दी से खाते हैं, फिर उसके बाद जाना भी है। अभी जो है ना हम लोग चलते हैं अपनी बोट की है ना सर्विस करवाने, क्योंकि जब से हमने ये खरीदी है ना ये रोडों से ज़्यादा तो पानी पे चली है। देखो इस पर जंग लगना ना शुरू हो गया, और ये नई है बिल्कुल, और देखो इसकी क्या हालत हो गई है। तो उसको वॉश करवाते हैं, और थोड़े बहुत भी काम है तो वो करवा कर आते हैं। मेरा प्लान था हैवी बाइक खरीदने का, पर अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया। और मेरा नेक्स्ट टारगेट भी ना वही था, पर जिस तरह के कराची के रोडों के हालात है ना, गड्ढे पानी, तो यहाँ तो चल ही नहीं सकती भाई। तो अभी चलते हैं इसकी सर्विस करवाने। वॉश करवाने के बाद ना यहाँ सुजुकी में आया हूँ उसकी ना ट्यूनिंग वगैरह कराने। ऑयल भी चेंज करोगे? कौन सा ऑयल डाल? दिखाना। बेच रहे हो ये? कितने का? 2500 रुपये का। ये लो भाई। कितने तो हो गया? नहीं नहीं, ये जो है ना कौन सी परिंदा है इसका मैं नाम भूल गया, तुम लोग बताना। ये देखो ये कहाँ आ रही हो तुम, रैबिट को पकड़ो, जाओ इधर तो आओ, इधर आओ। क्या हुआ? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। क्या बन लो? नहीं मैं नहीं बन रहा आपका फ्रेंड, नहीं मैं नहीं बन रहा आपका फ्रेंड। हाँ अच्छा सही है, अच्छा पीछे तो दिखाओ तो आपने क्या बना। ओए होए होए होए, अभी जो है ना मैं घर आया और मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को टीवी पे क्या लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन देख रहा है। तुम लोगों को ना मुझसे ना एक ही शिकायत होती है कि मैं ना कंसिस्टेंट नहीं हूँ और बहुत लेट ना वीडियो डालता हूँ, तो
यार मैं अकेला हूँ और कोई ना इतने लोग वगैरह भी नहीं होते कि इतनी जल्दी जल्दी ना हमारा कंटेंट बने। एक जो वीडियो बनती है ना इतनी मुश्किलों से मैं वो कंटेंट बनाता हूँ, मुझे ही पता है 30-40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ फिर उसको काट के 10-12 मिनट की करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ना मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ, लेकिन अभी मैं डकी भाई से सीखूंगा कि इतना कंसिस्टेंट और इतना क्वालिटी कंटेंट वो कैसे बनाते हैं, उनकी वीडियो से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर जो जो मैं सीखूंगा वो मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा। शुरू के एक मिनट तो आपको पूरी ना भीख मांगनी है। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है इस बंदे के ना 3 या 4 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन तब भी इसने भीख मांगनी नहीं छोड़ी। हर वीडियो के स्टार्टिंग में एक मिनट भीख मांगना तो लाजमी है। मैंने डकी भाई की ना वीडियो देख ली और मुझे ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो सबसे मेन चीज़ है आपकी वीडियो ना 8 मिनट तक की होनी चाहिए और शुरू के एक मिनट आपको बिल्कुल बकवास करनी है, एक मिनट आपको निकालना है भीख मांगने में लाइक और सब्सक्राइब, 2 मिनट आपके ये निकल गए। फिर उसके बाद आपने मीम्स को ना ओवर यूज करना है, वही घिसे पिटे मीम्स चलाने, और फिर उसके बाद जब भी आप कोई जोक मारो ना जोक मारने का ये वाला मीम लाजमी चला देना क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा फिर इस बात पे हंसना भी है। इस तरह आपकी आधी वीडियो निकल गई, फिर उसके बाद 1-2 मिनट की आपको ना स्पॉन्सर चला दो, आधा टाइम ये निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा ना कंटेंट डाल दो कोई भी, उसके बाद आउटरो, आपके 8 मिनट खत्म और आपका क्वालिटी कंटेंट तैयार। तो थैंक यू डकी भाई, मैं भी कोशिश करूंगा यार कंसिस्टेंट होने की आपकी तरह, आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हो, तो थैंक यू सो मच। तो अभी जो है ना टॉस हो गया और इंडिया टॉस जीत गया, आधा मैच जो है ना टॉस पे डिसाइड हो जाता है। अब मैं ना मैच के बाद बाकी सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप मैच के बाद मिलते हैं। जो है ना वो पाकिस्तान हार चुका है, तो अब हम लोग ना यहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी आए खाना खाने। यार हम भी ले ले, वे इसके पास क्या है यार? बेला, मुझे शुरू से पता था यार, क्या कर रही हो तुम? इसने खाना भी नहीं है इसको यार, पता था शुरू से पता था, मैं बोल रहा था इनको अलग कर लेते हैं, खाएगी भी नहीं है अब, ये खेलेगी बस, फुटबॉल खेलेंगे दोनों, फिर जब इनका तिल भर जाएगा तो सो जाएंगे बस। ये देखो इसको दफना देते हैं यार। The next day. ये देखो ये रहा मैना का बच्चा, ये बड़ा हो चुका है, उड़ चुका है, ये लेके बैठी हुई, मुझे लगा सारे बच्चे मर गए, अल्लाह का शुक्र है यार बच्चा बचा, एक बच्चा बचा है, बाकी दूसरे पता नहीं कहाँ हैं। वो देखो उड़ नहीं पा रहे, ये नीचे गिरे ना, नहीं बल्कि तीनों ही बच्चे बचे हैं, ये तीनों बच्चे हैं, ये गेरा, एक वो रहा और एक जो है ना वो ये रहा, उड़ना सीख लिया भाई, चलो सही है यार, तीनों बच्चे जिंदा हैं, उड़ गए और ये वाले पेड़ पे आ गए। यार ये ना बहुत अच्छा हो गया, मुझे उस दिन लगा कि जो बिल्ली मैना लेकर आई है ना वो यही वाले मैना के बच्चे पकड़ कर लाई है, लेकिन जो लोग तीनों ना जिंदा है सामने बैठे हुए, अभी ठीक से उड़ना नहीं आया, लेकिन ना उनके माँ बाप भी ना उनके साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया। उस दिन पता नहीं कौन सा उठा कर लाई होगी बिल्ली, क्या पता उसे मरावा मिला हो, लेकिन जो तीनों बच्चे थे ना वो तीनों के तीनों जिंदा है। कैसे हो सब्सक्राइबर? कितनी बार आए जब अच्छा? आपको पूछने बहुत बार आए, उधर भी उधर आगे लगाई आपको ठीक है हाँ। बता लेंगे ना हाँ। तो मैच जो है ना वो पाकिस्तान हार चुका है, वो तो टॉस पे ही ना डिसाइड हो गया था कि कौन मैच जीतेगा। और ये वीडियो देख लो मैं कितना लेट डाल रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद डाल रहा हूँ, कल दोबारा से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और इंशाल्लाह कल लास्ट में पाकिस्तान जीतेगा। तो मैंने लोगों को बोला था गैस करने के लिए कि कौन जीतेगा मैच और मैन ऑफ द मैच कौन होगा, सबने पाकिस्तान बोला था, और जिन लोगों ने इंडिया बोला था ना हम लोगों ने मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को बोला था, तो रोहित शर्मा नहीं है हार्दिक पांड्या था, तो सबने गलत गैस करा। तो बस हम लोग अपनी इस वीडियो को ना इधर एंड करते हैं, बस ये ऐसी नॉर्मल सी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अच्छी होगी, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।